सुफियाना मेरा प्यार के अपकमिंग ट्रैक में क्या होने वाला है, चलिए ऑन लोकेशन पर चलते हैं और जानते हैं शो के बारे में। खुद को चोट पहुंचा रही हैं वो। जारू ने बोल दिया कि मैं और सल्तनत एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज, और ऑब्वियसली ये सुनेगी तो पागल तो है और पागल हो जाएगी, तो बस कुछ तो हो जाता है उसको, तो बस कोड़े से अपने आप को मार रही है, रो रही है, गुस्सा कर रही है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अच्छा, दादी आ गई है तो डर इस बात का था कि दादी पकड़ लेंगी, लेकिन वो कायनात को एक सलाह दे रही है कि किस तरह से अपने गुस्से को कहीं और मोड़े और किस तरह से जारून और सल्तनत से बदला ले। बेसिकली यहाँ पर ये बताया है कि दादी को कायनात की सच्चाई मालूम चल गई है, मीनिंग कि ये सारा जो सबको फैमिली को बताना, ये कोई अफवाह जो सब कायनात ने किया, बस तो ये भी उसके लिए एक शौक था। बट दादी कहती है एहसान रहा कि मैं तुम्हारी बात किसी को बताऊँगी नहीं, सो अगेन दैट्स अ गुड थिंग। बट फिर बस थोड़ी सी सलाह देके जाती है कि गुस्से गुस्से पे ना काबू रखो, और अगली बार कोई खबर लेकर आऊँ तो ऐसे अफवाह मत लाना, सच्ची खबर लाना। अच्छा, तो जानना चाहेंगे कि दादी मतलब कायनात के साथ है या आगे जाके कायनात को ही फंसाने वाली है? वो तो मुझे ऐसा लगता है वो कायनात के साथ नहीं हो सकती, और कायनात एनी विच वेज वो किसी को अपने साथ रखेगी नहीं, तो बस कायनात किसी की सगी नहीं है, तो वो दादी की क्या सगी होगी।